आज रिएक्शन में देखेंगे कनौती ऑफिशियल कोबरू म्यूजिक वीडियो सॉन्ग 2021 नदू एंड रूपोन, ये वीडियो का टाइटल है। इसमें कास्ट नदू शाह एंड रूपोन, आई थिंक न्यू टैलेंट है। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत वायरल चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा मिजोरम बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं वीडियो को, और 1.5 लाख के आसपास एक दिन में ही ये वीडियो जा चुका है। मैं आपका दोस्त संजय, नमस्कार खुलुमखा स्वीकार करें यानी मुख संजय थे इंडियन रिएक्शन नारो को जो तनो लामसगो। तो वीडियो पे जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर लीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक ये रहा, तो आ जाइए कभी इंस्टाग्राम के और इनके ओरिजिनल वीडियो का और चैनल का, TD.Chongpeng नाम है इनके चैनल का, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो प्लीज़ सर के चैनल को सब्सक्राइब करें और ओरिजिनल वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, बातें बाद में कर लेंगे, लेट्स स्टार्ट। कब से खड़ा हूँ मैं यहाँ, तू कितनी देर से यहाँ। फिल्म बाय डोला चोंगप्रेंग, चोंगप्रेंग फैमिली प्रोडक्शन मिजोरम। खुनौती कास्टिंग नदू शाह एंड रूपोन त्रिपुरा, सिंगर एनके। कॉस्ट्यूम होते हैं यार सर के हर सॉन्ग में, जबरदस्त की बात है, वाह मजा है। Kunotina mai mole no ko sekaya pi 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 Kunotina mai mole no ko sekaya pi 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 Kunotina mai mole no ko sekaya pi 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 Kunotina mai mole no ko sekaya pi pi Music bahut acha laga mujhe is song ka Nok chukai ring bapu mai ma to le kang bar ma nung le to le kang bar ma Nok chukai ring bapu mai ma to le kitri ma nung le to le kitri ma तो
गाइस ये था सॉन्ग बहुत ज़्यादा पसंद आया मुझे। इसमें कॉस्ट्यूम टीडी डोला सर के है और प्रोड्यूसर भी डोला सर ही है और एनके लाल सांगा ये सिंगर है। बहुत ही ब्यूटीफुल आवाज़ है सर आपकी और आरबीएल प्रोडक्शन ने म्यूजिक्स दिया है। कोरियोग्राफर सनराज देव वर्मा, वाह भाई अभी ये भी कोरियोग्राफर भी है आप, मज़ा आ गया, बहुत ज़बरदस्त लगा। मैंने वीडियो में मेंशन किया कि कोरियोग्राफी बहुत अच्छी है। मेकअप आजू देव वर्मा और कैमरा एडिटिंग मोलसोई प्रोडक्शन, डायरेक्शन बी मोलसोई और थैंक यू बोल रहे सर उत्तम कुमार त्रिपुरा, रवि शर्मा, सिमोन देव वर्मा, इन लोगों ने हेल्प की है बाकी वीडियो बनाने में। अब बात करते हैं म्यूज़िक की, कमाल का म्यूज़िक रहा। जैसे मैंने बोला भी वीडियो में कि आप डांस करना चाहते हैं किसी पार्टी में या फिर मैरिज में तो बस सॉन्ग लगा दीजिए, आपकी बॉडी अपने आप थिरकने लगेगी। कमाल के इफ़ेक्ट्स थे म्यूज़िक में, बहुत मज़ा आया म्यूज़िक सुन के। और सिंगिंग की बात करूँ तो भाई ने क्या गाया इस सॉन्ग को, बहुत मज़ा आया, उनकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा स्वीट थी। रुपन एंड नदुशा मैम की बात करूँ तो कमाल के एक्टिंग रही भाई, बहुत अच्छा डांस करते हैं और उन्होंने बहुत बखूबी निभाया इस रोल को। जिस तरीके से डांस, उनके एक्सप्रेशंस, वो जैसे मैं मारने का मतलब जैसे बोलते हैं ना थप्पड़ दिखाती है ऐसे, तो भाई उस टाइम उनके एक्सप्रेशंस जैसे ऐसे पीछे हट जाता है, कमाल के लगे उनके एक्सप्रेशंस मुझे, उनकी बॉडी लैंग्वेज, फेस के एक्सप्रेशंस भी बहुत अच्छे थे। नदुशा मैम की क्या बात करूँ, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत टैलेंटेड एक्टर है और उन्होंने इतना ज़बरदस्त डांस किया, बस मन कर रहा था कि देखते रहे। और उन्होंने जब वो लास्ट में आई थिंक पान खाया उस वक्त, वाह वाह, खाते वक्त फर्स्ट टाइम देखा मैम आपको, बहुत अच्छा लगा पर बहुत ही कमाल के कॉस्ट्यूम्स भी थे इसमें। पर मैम की बात चल रही है, आई थिंक इस वक्त कोब्रू इंडस्ट्री में नदुशा मैम का कोई जोड़ नहीं है, उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया और जिस तरीके से काम भी कर रहे हैं, बैक टू बैक सॉन्ग्स आ रहे हैं उनके और हिट पे हिट दिए जा रही है, तो बेस्ट ऑफ लक मैम, आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ही क्यूट और आपके एक्टिंग एक्सप्रेशंस बॉडी लैंग्वेज बहुत कमाल की थी और डांस भी बहुत ब्यूटीफुल किया। सनराज भाई की बात करते हैं, कमाल के कोरियोग्राफी रही भाई आपने, आई थिंक ये फर्स्ट आपकी कोरियोग्राफी है किसी वीडियो में, तो बहुत ही लाजवाब स्टेप्स थे और दोनों ने बहुत ब्यूटीफुली निभाए और आपने भी कमाल के टेप्स बनाए। यहाँ पे बात करूँ वीडियोग्राफी की, कमाल का कैमरा वर्क रहा है, जैसे वेरियल व्यूज़ भी लिए हैं, लोकेशंस भी, डोला सर का सॉन्ग है तो लोकेशंस हमेशा ही बहुत ही कमाल के रहते हैं सर, जिस तरीके से लोकेशंस का यूज़ करते हैं, कॉस्ट्यूम खुद डिज़ाइन करते हैं, तो आपको इस सॉन्ग में बहुत सारे अलग अलग कॉस्ट्यूम्स दिख रहे होंगे, जिस तरीके से ब्रू कॉस्ट्यूम का यूज़ किया है और एक से बढ़कर एक डिज़ाइन लग रही थी। और मैम वो पान खाते वक्त जो कॉस्ट्यूम था, क्या कमाल लग रही थी नदुशा मैम उसमें, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, मैंने बोला ना मर जावा पान खा के, वो वाला सीन कमाल का था और बहुत ही ज़्यादा कमाल लग रही थी उस वक्त। सर बहुत ही ज़्यादा आप टैलेंटेड डिज़ाइनर है, एडिट भी बहुत कमाल का किया है इस सॉन्ग को। और आपको कैसा लगा पूरा प्रोजेक्ट आप ही सोच लीजिए, मुझे तो बहुत पसंद आया, डायरेक्शन और कंसेप्ट भी बहुत अच्छा था इनका। तो मतलब ओवरऑल बात करूँ सॉन्ग के बारे में तो लोकेशंस, कॉस्ट्यूम, कोरियोग्राफी, वीडियोग्राफी पूरा एडिट किया जिस तरीके से, मेकअप आर्टिस्ट का भी जैसे काम है, बहुत ही कमाल लगता है। और इसमें सिंगर, म्यूज़िक डायरेक्टर सब लोगों ने जी जान से काम किया है। और लास्ट में बात इन दोनों की फिर से करके जाता हूँ, मैंने रुपन को आई थिंक फर्स्ट टाइम देखा है पर बहुत पॉजिटिव लगे मुझे और बहुत टैलेंटेड भी लग रहे हैं। और जैसे सर बैक टू बैक न्यू टैलेंट को ला रहे हैं वो देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है सर, आप इतने टैलेंटेड बॉयज़ को मौका दे रहे हैं, गर्ल्स को भी मौका दे रहे हैं, वो देख के बहुत अच्छा लगता है कि आप नए टैलेंट को भी आगे लेके आ रहे हैं। जैसे सनराज एक हीरे की तरह है भाई, जैसे उनको आपने तराशा और सबके सामने लेके आए, बहुत आगे जाएगा लड़का, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। नदुशा मैम उनके बारे में मेरे पास कोई वर्ड नहीं है कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, कितनी बार कहूँ उनके बारे में ये कि टैलेंटेड है, सारी दुनिया को पता है कि मैम आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो, मुझे बहुत पसंद आया, आपको कैसा लगा आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, सेफ रहिए और इन्जॉय करते रहिए लाइफ को, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। जय हिंद।